okay, uh, on behalf of, uh, on behalf of uh, uh, center for the study of developing societies uh, and on directors' behalf and on the behalf of uh, the staff members here, uh, i welcome all of you uh, to this very special occasion uh, of the release and discussion of our translation, since this happens to be the translation day. Uh, which is being celebrated i'm sure all over the world it's a very auspicious occasion for all the translators and uh, i can see uh, you know several multilingual uh, people uh, who have been translating uh, off and on and shubham especially has translated a lot from urdu into hindi uh, so it's, it's, a, it's a day to celebrate also uh, for the uh, celebrate the labor uh, of love by multilingual people and translators. So uh, it's a, uh, distinguished panel. Uh, let me start with uh, uh, Shubham, who has translated a couple of books on Delhi. Uh, वो हिंदी में बोलेंगे उन्होंने इंतजार हुसैन का किया है और एक ये जो दिल्ली दिल्ली जो एक शहर है वो महेश्वर दयाल नहीं बल्कि विपिन हांडा की किताब उसका भी राजेंद्र हांडा राजेंद्र हांडा की कि किताब उसका भी अनुवाद उन्होंने किया है तो आए हाँ हम हम अंग्रेजी में नहीं नहीं आप अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं जिसमें भी बोलना चाहें और हमारे चेयर को आप सब जानते हैं उनको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है मुझे हम सब के उस्ताद रहे हैं आ, और हैं अभी भी <laughs> आ, आ, शाहिद फिलहाल साहब को भी आप जानते हैं आ, हम लोग बाहर में कह रहते हैं वर्ल्ड फेमस हैं आ, तो आ, और अंजमन तरक्के उर्दू से भी साहब सुरेश माथुर साहब आए हुए हैं उनका हम स्वागत करते हैं switch it on i look after the government part of anjuman you know anjuman needs a very strong liaison at the moment with the government sector and because until recently they are not having that sort of liaison with the outside world i may say so but now it is Lively, not because of me, but otherwise, also. And the modernization, of course, is coming up gradually with human as well. I'm totally an outsider in this sphere, but let me thank you to invite me to sit here. And I will be very happy if Shubham, as you said, he can take the mic. So, yeah, no. Uh, 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 I आई विल Professor Shahid शाहिद to start the proceedings, but लेकिन उसके पहले हम इस किताब का रस्म इजरा कर दें तो ये की अथर फारूकी ने आप सब से माफी मांगी है कि वो आज यहाँ मौजूद नहीं हो पाएंगे ये उनकी ह्यूमिलिटी भी हो सकती है वैसे वो वाकई व्यस्त हैं बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद अपने इस आयोजन मेहनत किया है और अच्छे से इसको मेहनत से बंद रही है ताकि हम इसको मेहनत से खोल बहुत शुक्रिया तो शाहिद मैं आ, कोई खास बात नहीं कहना चाहता हूँ तमीब के दौर पे क्योंकि यहाँ लोग आए हुए हैं जो कि जिन्होंने अच्छा मतला किया मैं मुझे जब ये किताब मिली तो मैंने बहुत चीजें गूंज दी आ, और उसी को कुछ वर्ड्स थे जिसमें अल्फाज थे कुछ रस्में थी आ, जो दिमाग में आई कुछ हो गई कुछ रही थोड़ी देर और फिर लाइव हो गई तो इसलिए मैं आ, कोई खुद या भाषण नहीं देना चाहता हूँ जो लोगों ने इस इसको पढ़ाया अच्छी तरह से और एक कुछ उसके बारे में कहना चाहते हैं उनको मैं मदो करता हूँ शुभम को पहले और फिर आपको कि इसके ऊपर अपने ख्याल जाहिर करें और बाद में मैं इक्का दुक्का कुछ बातें आपके सामने पेश करूंगा। तो चाय तो हम लोग पहले पी चुके हैं इसलिए ये नहीं कह सकता कि इसके बाद आप लोगों को मैं मदा कर मदो करता हूँ चाय के लिए शुभम अब मैं कह दूं कि शुभम को मैं उनके जितने अवतार हैं उसके मैं नहीं जानता इन्होंने कहा मैं शाहजहाबाद पे काम कर रहा हूँ मैंने कहा भाई मेरा एक स्टूडेंट भी है तो इनका नहीं, नहीं, नहीं मैं थ्री थ्री जी थ्री डिमेंशनल डिजिटल दि, उसके ऊपर कुछ लिखना चाहता हूँ करना चाहता हूँ तो शुभम और इनकी जो ट्रांसलेशन है इंतजार हुसैन का दिल्ली जो एक शहर है था। दिल्ली एक शहर। दिल्ली, था दिल्ली के आ, आ, वो वो आ, आ, बहुत जबरदस्त है और खासतौर से उसमें एक जगह शोधों का आ, बांक, बांकों का जिक्र है तो आ, बांका जो लफ्ज है वो दिल्ली से उसके कनेक्शन है पटना से भी तो लोग तो पिक्चर के हिसाब से जानते हैं बांके लाल रे यार रे तो बांके का कई जगह जिक्र है लेकिन जो कि इंतजार साहब ने जिक्र किया कि उनकी ड्रेस कुछ अजीब थी और जहाँ तक मुझे याद है वो आधा बाल अपना मुडाए रखते थे और आधा रखते थे और एक आधा से चलते थे तो कुछ चीज़ें जो इंतजार साहब की उर्दू में है ये ख़ास तौर से ये किताब और जिसको शुभम ने ट्रांसलेट किया है बहुत अच्छी तरह उस तौर से मैं शुभम को जानता था यहां पता चला कि और भी इनके अफकार हैं तो मैं आपको मदद करता हूँ शुभम भाई की आप कुछ आप, आप सबको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अमीन दिल्ली था जिसका नाम इंतज़ार साहब की बहुत बाद में लिखी गई ये किताब है और बहुत दिलचस्प किताब है वैसे मैं ये वो मेरा पहला ट्रांसलेशन था और वो ट्रांसलेशन भी नहीं वो देवनागरी में लिप्यंतर है क्योंकि जब मैंने उर्दू में मूल पढ़ी तो आ, मुझे लगा कि इसको ज्यों का त्यों करना चाहिए इसका अनुवाद नहीं करना चाहिए आ, और वो चूँकि मेरी पहली किताब थी और उस वक्त मैं बहुत एक अरसे के बाद दोबारा अपनी उर्दू को एक तरह से रिवाइज कर रहा था तो उसमें बहुत गलतियां छूट गई हैं तो अब जब मैंने उसके बाद कुछ और किताबें कर ली हैं तो मुझे अब वो किताब उठाते हुए बहुत थोड़ा अजीब भी लगता है क्योंकि उसमें अब मैं ऐसी गलतियां देखता हूं जो बहुत ही बेसिक हैं और मुझे लगता है कि ये ये लफ्ज़ मैं क्यों नहीं पढ़ पाया इसका मैंने और ढंग से मतलब क्यों नहीं डिक्शनरी में ढूंढा तो मुझे बहुत थोड़ी उसमें बहुत शर्मिंदगी भी होती है बहरहाल आज हम में आखिर पर बात करना करने वाले हैं और एक शुरू में बात में और ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आजकल हिंदी वाले जो एक उर्दू लफ्ज का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं कि इसका खुलासा हम कहते हैं तो मैं ये ये मैं खुलासा करना चाहता हूँ कि इस बातचीत का जो नौशाद भाई ने बड़ा सुंदर एक पोस्टर बनाया था उसमें मेरे लिए जो जो उसमें शब्दों का इस्तेमाल किया घरानी उतरता हूँ काफी सारे शब्दों पर क्योंकि मैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से पढ़ा हूँ वहाँ मैं पढ़ाता भी हूँ पर मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ और uh, मेरी रुचि uh, संगीत में और uh, पुरानी इमारतों के संरक्षण में भी है पर मैं मुझे नहीं लगता कि मैं म्यूजिकोलॉजिस्ट या कॉन्जर्वेशनिस्ट कहलाने के लायक हूँ तो uh, ये वो बात है मेरे विषय भूगोल और अर्बन uh, प्लानिंग नगर नियोजन रहे मैंने एस से दो साल मास्टर्स uh, किया था अर्बन प्लानिंग uh, में और uh, इन्हीं दो विषयों के चश्मे से मैं शहरी इतिहास को देखने की कोशिश इसमें कुछ पुराने लगाए जाते हैं और इंतजार साहब जैसे बड़े लोगों की दिल्ली था जिसका नाम किताब या फिर अभी महेश्वर दयाल जी की किताब का जिक्र हुआ तो में भी हमें शहर का भूगोल इतिहास और मुझे ये भी लगता है भूगोल के एक स्टूडेंट होने के नाते कि भूगोल और इतिहास बहुत आपस में साथ जाते हैं मतलब अगर हम सिर्फ देश का भूगोल देखें का इतिहास देखें तो उसमें भूगोल एक अहम भूमिका निभाई है वो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो एक तो ये बात है वैसे मेरी पैदाइश और परवरिश दिल्ली की है और मैं एक बड़े अजीब जगह पला बढ़ा वो कॉलोनी ऐसी थी कि दो हमारी पुरानी दिल्ली उसके आसपास थी तो मेरा बचपन जो है इन दोनों दिल्लियों में काफ़ी गुजरा है एक तरफ तो शायद दिल्ली की पांच पांचवा शहर फिरोशा कोटला फिरोजाबाद की राजधानी फिरोशा दुगलक की राजधानी थी और वो फिरोशा कोटला का कुछ ऐसा सिलसिला था कि उसकी एक टूटी दीवार हमारी कॉलोनी में ही आती थी तो हम लोग बचपन में कई दोस्त वो दीवार चढ़ के कोटला चले जाते थे और गर्मी की छुट्टियों की जो सुबह होती थी वो हमारी वहीं बीतती थी और अब कोटला में सिर्फ खंडर बचे हैं आप लोगों ने देखा ही होगा मतलब कई सालों से खंडर ही है वो तीन इमारतें हैं जो आप जिनके बारे में कुछ कह सकते हैं कि ये कुछ इमारतें हैं एक तो जाम मस्जिद है एक गोल गोलाकार बाउली है और एक पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर है जिसपे अशोक की लाट है जो कि अंबाला से लाई गई थी तो वहां खड़े होके आपको उसके ऊपर खड़े होके आपको जो खंडर दिखते हैं मुझे कई बार बचपन में लगता था कि इस इन खंडरों को देख के आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं कि ये अपने ग्लोरियस हाइट पे ये शहर कैसा आया ये कैसा रहा होगा अब दूसरी तरफ अगर मैं अपनी कॉलोनी से निकल जाऊं तो अः शाहजहाबाद का एक दक्षिणी छोर हमें मिल जाता है दरियागंज कई साल पहले नदी जो थी वो यहीं से होकर गुजरती थी इसलिए इसका नाम दरियागंज पड़ गया और अभी भी कई जगह पे आपको इसकी जो पुरानी फसील जो दीवार है शहर की दरियागंज में दिखती है और इसी से आप चलते चलते थोड़ा और आगे चले जाए तो आप जो इस किताब का मुख्य घटनास्थल है आ, लाल किला आप वहां पहुंच जाते हैं तो अब अगर ये वो वक्त होता जिसका जिक्र मुंशी फैजुद्दीन ने इस किताब में किया है बजमें आखिर तो यानि बहादुर शाह जफर का जमाना तो आप इस किले में बहुत अंदर तक ज्यादा जा नहीं पाते दीवाने आम तो आप पार कर लेते पर उसके बाद एक लाल जरी का एक विशाल पर्दा आपको मिलता दीवाने खास पे टंगा हुआ और यहाँ पर आप पाएंगे कि बहुत सारे अभिसीनियाई सैनिक और उनके साथ कई और संतरी खड़े हैं और किसी भी अरे गहरे को देख के ये लोग हरकत में ऐसे आ जाएंगे कि अपने भालों की नोक से उसे गिरेबान से उठाकर बाहर पटक देंगे तो पर किसी और त्योहार के दिन आप इसमें अपने सर पर पगड़ी पहन के जा सकते थे बादशाह सलामत को सलाम करके कोने में खड़े होके आप यहाँ पे इसका दरबार का जायज़ा ले सकते थे पर इस हिसाब से साल के ज्यादातर दिन अगर आप जिस लाल किले को उन दिनों किला कहा जाता था उसे देखने की आपकी ललक पूरी नहीं हो पाती लेकिन अब वक्त और है और हम लोग लाल किले के, के बाहर टिकट घर से टिकट लेकर लाहौरी गेट के जरिए छत्ता चौक से होते हुए इस किले में जा सकते हैं लेकिन चूंकि अब वक्त और है इसलिए भीतर आते ही हमें सबसे पहले नजर आने वाली इमारतों में ब्रिटिश राज के समय की बैरकें दिखेंगी नक्कार तो पर इनके भीतर अब भी आप नहीं जा सकते क्योंकि इनके आसपास संरक्षण के नाम पे इनको प्रोटेक्ट करने के नाम पे रस्सियां लगी हैं और आप इनके भीतर अभी भी आपका प्रवेश वर्जित है और किले की बाकी और इमारतें बाग बगीचे नहरों और फवरों का आपको कोई नामो निशान नहीं दिखेगा क्योंकि ये अठारह के गदर के बाद इनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया तो जहां आप कोटला में पिरामिड नुमा इमारत पे खड़े होके जो कि इससे पुराना करीब 200 साल पुराना और किला है वहां आप तो भी कुछ सोच सकते हैं कि ये शहर कैसा रहा होगा आप लाल किले में अंदर जाके आपके लिए सोचना मुश्किल होगा कि ये जिसे किलाएल्ला कहते थे या एग्जॉल्टेड फोर्ट वो अपने हाइट पे क्या दिखता होगा अपनी जहनत पे क्या दिखता होगा इसलिए हमको लाल किले से किला तक के सफर को पूरा करने के लिए हमें मुंशी फैजुद्दीन की बस में आखिर की जरूरत पड़ेगी पहली बार सन अठारह में प्रकाशित यह किताब आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के शाही दरबार का एक समृद्ध और जीवंत वृत्तांत है इसमें हमें जफर के दरबार किले की रोजमर्रा की रस्मों खान पान रीति रिवाज से लेकर त्योहार जैसे ईद नवरोज राखी दीपावली होली दशहरा फूल वालों की सैर जैसे उत्सवों तक के 19वीं सदी की शुरुआती दिल्ली की एक झलक दिखती है बहुत डिटेल्ड आपको इसमें वर्णन मिलेगा कि बादशाह ने सुबह उठने से रात को सोने तक क्या क्या किया क्या खाया जो खाया वो कैसे खाया उसके बाद और उसके पहले क्या किया कैसे आराम फरमाया इन सब का हमको विस्तृत विवरण इसमें मिलता है कई बार इसमें हमको ऐसा भी लगता है कि सतही तौर पे जो चीजें बहुत विवरण जो बहुत ही आ, मामूली से दिखते हैं कि आ, ये पकवान चले आ रहे हैं पुलाव चले आ रहे हैं या फिर किस कितने किस्म की रोटियां हैं या दशहरे पे नीलकंठ उड़ाया जा रहा है उसमें हमको अगर हम थोड़ा और झांक के देखें तो उस समय के हिंदू और मुसलमानों के आपसी भाईचारे काफी हमको अच्छा संकेत दिखता है और चूंकि अमीन साहब ने आ, इंतजार साहब और दिल्ली था जिसका नाम का जिक्र किया था तो मैं इंतजार साहब का दिल्ली था जिसका नाम से एक छोटा सा एक्सर्ट पढ़ने वाला हूं क्योंकि ये बात थोड़ी मैं आगे भी करूंगा कि किस तरह से इस किताब के निकलने के बाद कई लोगों ने इससे किस तरह से लाभान्वित हुए किस तरह से बहुत इसका फायदा उनको मिला तो इंतजार साहब लिखते हैं असल में दिल्ली का हिंदू अब वह हिंदू नहीं रहा था जो राय पिथौड़ा के जमाने में था मुसलमान भी वह मुसलमान नहीं रहा था जो शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर लख्ष, के साथ आया था तब से अब तक पुलों के नीचे से पानी बहुत बह गया था तलवार जितनी चलनी थी उस वक्त चल चुकी इसके बाद तो तारीख का रुख ही बदल गया किस्सा मुख्तसर दबी दबी आवेजिश साथ में बहुत सी आमेजिश इरादतन कम गैर इरादी तौर पर ज्यादा दोनों मजहब अपनी अपनी जगह पर मगर तहजीबी सतह पर फासला कम होता चला गया खुरब पैदा होता चला गया मगर मजहबी सतह पर भी वह वा पहली वाली गैरत कहाँ रही मुसलमानों के मजहबी त्योहारों में देसी रंग कितना आ गया था बल्कि पूरा हिजरी में रंगा गया था रबी उव्वल रबीस्सानी अब कौन कहता था मौलवी मौलवी मुला ही कहते होंगे दिल्ली की आम खलकत के हिसाब से माह सफ़र अब तेरह तेजी का महीना था रबी अव्वल बारह वफात का महीना कहलाया रबी उसानी मीरा जी का महीना जमादी उल अव्वल मदार का महीना और शाबान शब बारत का महीना तो इस रंग से इस फिजा में रंग घुल मिल रहे थे और मुख्तलिफ तहजीबी तौर पर एक नई वहद में ढल रहे थे मौसमी त्योहारों और मेलों ठेलों के मुतलिक तो पता ही नहीं चलता था कि ये हिंदुओं के हैं या मुसलमानों के बाकी रह गए ईद बकर और होली दिवाली तो वहाँ भी अब ये सूरत थी कि एक खुशी में दूसरा शामिल अगर शामिल ना भी हो हो सके तो एक दूसरे के मजहबी जज्बात का एहतराम बहरहाल किया जाएगा तो ये इंतज़ार साहब इसी दौर के बारे में आ, आ, इसी किताब से लिख रहे हैं अब इस किताब में दरबार में इस्तेमाल किए जाने वाले उर्दू के खास लहजे जैसे उर्दू मोहल्ला कहा जाता था और उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले मुहावरे और कहावतों का भी एक पूरा एक भंडार है अः फारूकी साहब ने कुछ इसमें से जो मुहावरे और कहावतें हैं वो उनका बहुत सुंदर ट्रांसलेशन किया है सब उन्होंने नहीं किए हैं शायद इसी कारण से क्योंकि अब वो चलन में नहीं है और इतने हमारे सामने नहीं आते हैं तो इसलिए जो किताब है इसमें मुग़ल इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए उसके अलावा जो खान पान फैशन कपड़ों और धार्मिक रीति रिवाजों के इतिहासकार हैं उनके हिसाब से भी ये बहुत अहम किताब है जैसा कि मैंने कहा कि सन अठारह में छपने के बाद उस वक्त के कई और लेखकों ने अपने बुजुर्गों से सुने हुए दिल्ली शहर और गदर के किस्से लिख डाले तो ये जो मुंशी फैजुद्दीन की किताब थी ये एक तरह से मील का पत्थर थी और इसके इस इससे प्रेरणा लेके इसके इसको देख के कई लोगों ने अपने सुने हुए किस्से अपने तरीके से लिखने शुरू कर दिए तो बहादुर शाह जफर की आ, मृत्यु के लगभग दो तीन दशकों बाद एक बहुत बड़ा दिल्ली पे खजाना आ, इस तरह से निकलना शुरू हो गया था जो आ, हिंदुस्तान में भी था और ब्रिटेन में भी आ, जो ये सब चीजें मिलने लगी थी तो अगर हम इस फहरस्त को देखते हैं कि कौन कौन सी किताबें बस में आखिर के बाद निकली तो सबसे पहले जो हमारी फहरिस्त बनती है वो उन्नीस सौ उन्नीसवीं सदी की है और इसमें नासिर नज़ीर फिराक की लाल किले की एक झलक और दिल्ली का उजड़ा हुआ लाल किला बाकर अली दास्तान गो की मौला बख्श हाथी और मौलाना राशिदुल खैरी की दिल्ली की आखिरी बहार दास्तान पारीना और गदर की मारी शहजादियां काबिल जिक्र हैं इसके आगे हम थोड़ा और चलते हैं बीसवीं सदी में तो इस इसमें जो किताबें शायी हुई उसमें आ, मिर्जा फ़हरतुल्ला बेग की दिल्ली की आखिरी शमा और फूल वालों की सैर वजीर हसन दहलवी की दिल्ली दे, का आखिरी दीदार अर्श तैमूरी की किला मोल्ला की झलकियाँ और अशरफ सुबूही की दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां शामिल हैं और ये सब जो हैं ये बहुत अहम किताबें हैं दिल्ली के इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से तो ये तो 19वीं और 20वीं सदी की बात बात है जैसा मैंने पहले कहा कि आ, इंतजार साहब की जो दिल्ली था जिसका नाम है वो बहुत उनकी बात की किताबों में से है 2006 या सात में किताब आई उसमें भी आ, इसकी बहुत गहरी हमें छाप मिलती है और उसका एक और हिस्सा मैं आ, सुनाने वाला हूँ तो आ, इसमें जैसा मैंने पहले कहा कि आप आ, कि, आ, मुगल दरबार का तो विवरण है ही उसके अलावा तरह तरह के पकवान और रीति रिवाज उनसे जुड़े हुए त्यौरा त्योहारों पे क्या विशेष खाने बनते थे उनके बहुत सुंदर आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे अब इसी चीज को इंतजार साहब ने दिल्ली था जिसका नाम में और भी एक अलग तरीके से लिखा है जो मैं पढ़ूंगा कहते हैं कि शेरशाह को शेरशाह बनने से पहले एक दफा बाबर के दस्तरखान पर बैठने का शर्फ हासिल हुआ था सामने सी बड़ी बड़ी रानी रखी हुई थी शेरशाह की समझ में जब ना आया कि इन रानों से कैसा इंसाफ किया जाए तो उसने नियाम से तलवार निकाली और एक रान को आगे सरकाकर उसकी बोटियां काट काट के खानी शुरू कर दी मुगलों की जिंदगी अभी बड़ी हद तक शमशीर और सिना से इबारक थी उस वक्त शायद उनका दस्तर खान भी उसी रंग का था कि तलवार से ही उसके साथ इंसाफ किया जा सकता था मगर बाबर से बहादुर शाह जफर तक आते आते मुगलिया दस्तर खान बहुत ही मराहल से बहुत से मराहल से गुजर कर क्या से क्या बन चुका था तहजीबें और तहजीबें अपने दस्तर खानों से भी तो पहचानी जाती हैं हर तहजीब में आगाज में तो जिंदगी जितनी सादा होती है उतना ही दस्तर खान भी सीधा सादा होता है गिने चुने खाने गिने चुने जायके मगर जब तहजीब में रुचाव आता है तो जहां दूसरे शोबों में हुनरमंद अपने हुनर की में मीनाकारियां करते हैं वहां मतंजों में बैठने वाले बावरची भी अपना हुनर दिखाते हैं यह मुगलों का दौर आखिर था मुगल इकतदार सिमट सिमटाकर लाल किले तक रह गया था मगर मुगल दस्तर कितना फैल गया था और कितना रंगा रंग हो गया था यह बाबर का दस्तर नहीं था जहां एक अल्हड़ पठान ने तलवार से रान की बोटियां काट काटकर खाने शुरू कर दी थी ये शहनशाह हिंद जिले सुबहानी हजरत बहादुर शाह जफर का दस्तर खान जन्नत निशान था इसके अपने अदब आदाब थे लीजिए डेढ़ पहर दिन चढ़ा खासे का वक्त आ गया चोपदारनी ने खासे वालियों को पकारा खासे वालियां हड़बड़ा कर दौड़ी सफेद बर्राक दस्तरखान बिछा इसके बीचों बीच एक चौकी बिछाई गई उस पर भी दस्तरखान बिछाया गया उस पर बैठकर बादशाह सलामत खासा खाएंगे बाकी दस्तरखान पर बेगमात शहजादे शहजादियां बैठ खाना तनावल करेंगी रंग रंग के खानों की क्या पूछते हो आखिर कितने खान खानों के नाम गिनाए जाएं? महज इन नाम गिनाने के लिए भी मुंशी फैजुद्दीन की कलम चाहिए चलो उनके वास्ते से पुलाव की किस्मों की गिनती तो कर ही लें कि पुलाव तो मुगले दस्तर खान की गजाए खास है अब इसमें जो है वो एक काफी लगभग एंडलेस है कि जो पुलाव की जो किस्में जो चली आ रही हैं तो मैं सुनाऊ मैं अच्छा तीट यखनी तो <laughs> पुलाव नूर महली पुलाव नुक्ति पुलाव किशमिशी पुलाव नरगिसी पुलाव जमरूदी पुलाव लाल पुलाव फालसाही पुलाव आबी पुलाव सुनहरी पुलाव रुपहली पुलाव मुर्ग पुलाव अनानास पुलाव कोफ्ता पुलाव बिरयानी पुलाव सारे बकरे का पुलाव मोट पुलाव और चुलाव तो जो ये चुलाव है ये जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए ये 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 वेज पुलाव है लगे हाथ तो रोटी की किस्में भी इनसे सुनते चले चपातियां फुलके पराठे रोगनी रोटी बीरी रोटी बेसनी रोटी खमीरी रोटी नान शीरमाल गाओ दीदा गाव जबान कुल्चा बाकर खानी गोसी रोटी बादाम की रोटी पिस्ते की रोटी चावल की रोटी गाजर की रोटी मिश्री की रोटी नान पनबा लाल नान गुलजार नान कमाश नान तन तनकी अब ये मैंने यहीं पर छोड़ दिया है आप किताब में देखेंगे कि इसमें फिर मुब्बों की किस्में हैं और मतलब मुरब्बों को भी नहीं छोड़ा है मुरबों की भी जितनी किस्में हैं अचार की किस्में हैं तो ये लगभग एक ये एंडलेस चीज है इसमें जो इंतजार साहब शायद किसी कारण से मिस कर गए इसमें खिचड़ी भी है तो एक जो मतलब मुग़ल भी मुगलई खाना तो नहीं खाते थे मतलब उस वक्त हम जिसे मुगलई कहके सब चीजों को हाँ तो सबको बस एक ही चीज में जो समेट देते हैं उसमें जी हाँ उसमें उसमें खिचड़ी भी बहुत एक इम्पोर्टेंट हाँ, uh, uh, जी हाँ तो वो भी है वो हमें नहीं भूलना चाहिए इसमें आ, मैं कुछ थोड़ी सी बात शहर के हिसाब से भी करना चाहता हूँ वैसे ये जो किताब है ये आ, इसका जो फोकस है वो किलाए मोहल्ला है और उसके दरबार में क्या चल रहा है और दरबार के रीति रिवाज और त्यौहारों पे क्या हो रहा है दिल्ली शहर के बारे में आ, जो विवरण है वो कम है आ, सिवा फूल वालों की सैर की आ, उसमें क्या हो रहा है पर आ, आ, उस वक्त की आप आ, काफी किताबें पढ़ेंगे उनमें आप ये पाएंगे कि सबका एक ये मत है कि आ, जो जो किला में था वो एक तरह से शाहजहाबाद का सूक्ष्म रूप था तो आ, वो एक माइक्रोकॉजम था वहाँ का तो उससे हम शहर के बारे में भी आ, काफी चीजें समझ सकते हैं अब आ, नगर नियोजक या अर्बन प्लानर होने के नाते और खासकर क्योंकि मेरा थोड़ी रुचि पुराने इमारतों और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है टेंजेबल और इन हेरिटेज क्योंकि मेरी थोड़ी रुचि उस तरफ है तो मुझे ये लगता है कि हम लोग नगर नियोजक जिस तरह से अपने हेरिटेज को देखते हैं उसमें काफी खामियां हैं हम लोगों का जो एक मूल इंस्ट्रूमेंट uh, uh, रहा है प्लानिंग uh, का आप सब जानते होंगे वो मास्टर प्लान है और uh, भारत में आजादी के बाद सन बासठ में पहला मास्टर प्लान दिल्ली का बना था जो कई बार रिवाइज हुआ उन्नीस सौ इक्यासी दो हजार एक दो हजार इक्कीस अब 2040 का मास्टर प्लान प्रपोज है और इसमें उसके बाद हुआ ये कि जो बाकी जो हमारे छोटे शहर भी थे या कुछ दूसरे शहर भी थे उनमें भी ये होड़ थी कि जो दिल्ली का मास्टर प्लान है हमारे मास्टर प्लान भी वैसे ही बने तो जो हमारे शहरों की आ, शहरों के खासकर हिस्टोरिक सिटीज दिल्ली आगरा भोपाल जयपुर उदयपुर इनके जो यूनिक ट्रेड्स हैं वो मास्टर प्लान में कभी भी सामने नहीं आए हैं उदाहरण के तौर पर बस मैं आ, एक आ, आगरा के मास्टर प्लान की बात करना चाहता हूँ और ये जो पुराने मास्टर प्लान है उसके बाद इसमें कुछ सुधार भी हुए हैं कि आ, में जो मास्टर प्लान आगरा का बना था उसमें जो उसका मेन फोकस था वो इंडस्ट्री पे था वो औद्योगिकरण पे था कि आगरा का औद्योगिकरण कैसे हो आगरा का जो बिल्ट हेरिटेज है उसके आसपास भले टूरिज्म आप डेवलप कर लें वो सेकेंडरी उनका वो था तो इसी तरह की आप चीजें आ, कई मास्टर प्लान में पाएंगे तो ये एक हमारा दौर था जब हमने मास्टर प्लान के चश्मे से शहरों को देखा और उसमें दिल्ली ने शाहजहाबाद को स्लम डिक्लेयर कर दिया जो हमारा सोलह में जो शहर बनना शुरू हुआ सोलह में बन के खत्म हुआ उसमें लाल किला अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको मास्टर प्लान ने एक स्लम की दृष्टि से देखा तो ये एक थोड़ी अजीब सी चीज है फिर एक हमारा एक और दौर आया आ, मुझे लगता है जेएनएन यूआरएम जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के बाद और अब हमारे पास हृदय और अमृत ये सब चीजें हैं जिसमें हेरिटेज पे कुछ ध्यान दिया जा रहा है मैं अब काफी समय से चांदनी चौक वैसे नहीं गया हूं पर आपने देखा ही होगा कि वहां पे पेटिस्टर्नाइजेशन हो गया है जो अच्छा है और सड़क पे वहां लाल पत्थर शायद लगा दिया है जो कभी नहीं हुआ इस तरह से और और ऐसे हमारे पास और भी उदाहरण हैं आप अमृतसर चले जाइए वहां पे भी काफी पटेस्ट्राइजेशन हुआ है लाल पत्थर हर जगह लगता है और उसके अलावा आपको पाम के पेड़ हर जगह देखेंगे भले ही वो वहां की आबो आबोहवा के से माँग... आ, हाँ ताल्लुक रखते हो कि नहीं तो आपको पाम के पेड़ हर तरफ दिखेंगे तो आ, मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूँ वो ये है कि इसमें हो सकता है कि सरकारी विभागों की इस तरह से हेरिटेज को देखने में एक उदासीनता या एपथी तो है ही पर उसके अलावा हम हम लोगों का जो तबका है आर्किटेक्ट्स अर्बन डिजाइनर्स प्लानर्स का हमारी भी एक ये कमी है कि हम लोगों की कभी इस तरह की ट्रेनिंग नहीं हो पाती कि हम अपने शहरों को आ, कैसे देखें उसके पुराने जो दस्तावेज हैं उन, उन कैसे देखें हम लोगों को जब शहरों का इतिहास पढ़ाते हैं तो उसमें रोमन सिविलाइजेशन ग्रीक सिविलाइजेशन और उसके बाद आते आते जेन जेकब्स केविन लिंच और पैट्रिक गिडस और लुइस मम्फर्ड इन सबकी थ्योरीज और आ, एबिनिजा हावर्ड इन सब पे बहुत बात होती है और इन्होंने वेस्टर्न शहरों को किस तरह से देखा है उनके बारे में क्या लिखा है इस पर अच्छा ख़ासा हम लोग को पढ़ाया जाता है पर उसमें कहीं गालिब इंतज़ार हुसैन मुंशी फैजुद्दीन सर सैद और बशीरुद्दीन अहमद जैसे लोग जिन्होंने दिल्ली शहर या कॉन्टिनेंट के शहरों के बारे में खूब लिखा वो कहीं नहीं आता और जाहिर है कि बहुत लोग उर्दू नहीं पढ़ते हैं और काफ़ी जो किताबें हैं वो अब हमारी ट्रांसलेट ही नहीं हुई हैं तो जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो हमें कहीं से मिल सकती है कि आ, जो आ, आपकी फैज नहर जो शाहजहाबाद लाल किले के अंदर जाती थी वो कैसी थी उसके क्या पैटर्न थे कहाँ से जाती थी अगर आपको किसी तरह का रेस्टोरेशन करना है तो आपके पास वो जानकारी भी बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती इस किताब में खाने पान खाने और इन सब चीज़ों का कपड़ों का तो डिस्क्रिप्शन है ही अगर आप बाद बाद में पढ़ेंगे कि अः मुगल शहजादे शहजादियां सैर सपाटे के लिए कहाँ जाते थे और वहां किस तरह के बाग बगीचे होते थे तो वो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत चीज है उसमें जितने किस्म के आपके पेड़ों के डिस्क्रिप्शन है वो अद्भुत है तो उसको हम एक सतही तौर पे देख सकते हैं कि उसमें वहां पे बाग बगीचों में अटकेलियां हो रही हैं उसमें कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि जब बादशाह सलामत आते थे तो वो खुली छूट दे देते थे कि अब आप कुछ भी कर सकते हैं तो जो छोटे शहजादे शहजादी थे वो पेड़ पे चढ़ रहे हैं फल टूट रहे हैं डगाल टूट रही है सब चीजें हो रही हैं पर उसमें ये एक डिस्क्रिप्शन है कि भाई मुगलों के जो या उस दौर के उनके जो फेवर्ड पेड़ थे वो क्या थे तो जब हम इस तरह के किसी भी रेस्टोरेशन या कॉन्जर्वेशन के प्रोजेक्ट्स की शहर में बात करते हैं तो उस हिसाब से अः बजमे आखिर और इस दौर में आसपास लिखी गई कई किताबें हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं तो इस तरह के इसलिए ट्रांसलेशन जो हैं वो आ, बहुत हमारे लिए जरूरी हैं और ये इसलिए भी जरूरी है कि मास्टर प्लान की तो मैंने बात की ही और उसके अलावा मैंने ये भी बात की कि हम आ, किस तरह से जो आ, अभी जो कई बार रेस्टोरेशन का काम होता है वो ब्यूटिफिकेशन पे उसका फोकस ज्यादा है इसमें एक चीज और ये भी है कि काफी समय से शहरों में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में होड़ है कई साल पहले एक कुछ नारा था कि मुंबई को शांघाई बनाना है तो जब आप मुंबई को शांघाई बनाएंगे तो बरेली को भी बंबई बनना होगा तो जो बरेली की जो अपनी खूबसूरती है या उसकी जो एक अनूठी चीज है वो आपकी खो जाएगी और वो जो अनूठी चीज है वो वहां का टैंजेबल और इन हेरिटेज है वो ही उसको उसके आसपास के क्षेत्र में किसी और छोटे शहर या बड़े शहर से अलग करेगा तो उसको बचाए रखने के लिए इस तरह की किताबों का सामने आना और उनका इस रूप में आना मतलब वैसे तो मेरे हिसाब से मूल में पढ़ी जानी चाहिए पर क्योंकि वो सब लोग नहीं कर सकते हैं तो उनका अनुवाद हमारे लिए बहुत जरूरी है मैं बस अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ अभी फारूकी साहब की भी मैं थोड़ी बात इसमें करना चाहता हूँ कि एक ट्रांसलेशन कितना मुश्किल है तो इसमें कुल मिला के जो मूल उर्दू की किताब है फारूकी साहब ने इसमें लिखा है कि कुल वो छियासठ पेज की किताब है और उन्होंने इसके कई दो या तीन ड्राफ्ट रिजेक्ट किए और फिर एक फाइनल ड्राफ्ट हुआ तो ये इतनी ये इतनी छोटी सी किताब इतनी मुश्किल क्यों है ट्रांसलेट करना क्योंकि इसमें पहली बात तो अनगिनत ऐसे शब्द हैं पकवानों के नाम हैं और अचारों के नाम हैं कपड़ों के नाम हैं शाही प्रतीक चिन्ह हैं और जेवरात के नाम हैं जो अब हमारे सामने से हट चुके हैं चलन में नहीं है तो ये और फारूकी साहब उर्दू के स्कॉलर हैं उन्होंने ना जाने इसमें भी उसकी भी लिस्ट है सात आठ बड़ी बड़ी डिक्शनरीज उन्होंने कंसल्ट की जो उर्दू में बहुत बड़ा अपना स्थान रखती हैं वहां पे भी ये शब्द नहीं मिले तो अब ये बहुत एक ट्रांसलेटर के लिए बड़ा एक आ, मुश्किल चीज हो जाती है कि जब आप कुछ कर रहे हैं और फिर उसका कहीं से भी आपको मतलब नहीं मिल रहा आपने दस लोगों से कंसल्ट भी कर लिया पर कुछ सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं उसका कुछ डेफिनेट नहीं चीज नहीं मिलती तो आप क्या करेंगे इसमें फारूकी साहब ने ऐसी जो सब शब्दों की अनिश्चितताएं हैं उसको उसके हिसाब से अपना अनुवाद किया है उन अनुवाद में इन आ, जो अस्पष्ट चीजें हैं या अनिश्चितताएं उनको जबरदस्ती उसमें डाल नहीं दिया कि उनके जो पूर्वाग्रह हैं कि भाई इसका यही मतलब है यही होगा अगर कहीं पे उनको संदर्भ मिला तो उसको समझाने की कोशिश की और कई जगह ऐसे भी हैं शब्द जहाँ पे जहाँ पे एक शब्द के एक से ज्यादा मतलब है पर संदर्भ उनको किसी का नहीं मिल रहा है तो उसमें उन्होंने ये साफ तौर पर मूल शब्द का इस्तेमाल किया है और फिर आखिरी में टिप्पणी में बता दिया है कि भाई यहाँ पे ये स्थिति है ना तो संदर्भ है हमारे पास ना हमको इसका कोई आ, अर्थ मिला है दूसरी दिल्ली पर उर्दू में जो किताबें लिखी गई हैं उनमें से कई ऐसी किताबें हैं जिनके एक से ज्यादा संस्करण हमारे पास हैं तो अब उन संस्करणों में क्या आ, अपने आप में बदलाव है ये सब देखना मतलब पहले तो उनको अनुवाद करना ही मुश्किल है और फिर इन सब को कंपेयर करके एक नया आ, एडिशन निकालना भी काफी मुश्किल है तो फारूकी साहब ने ये लिखा है कि सन पचासी में अठारह में इसका पहला संस्करण निकला और उसके बाद चार तो उर्दू के संस्करण थे जो कि जिनकी जानकारी उनके पास है दो ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है कि दो और संस्करण थे पर वो ट्रेस नहीं किए जा सके तो उन्होंने इन सभी संस्करणों को देख के फिर आ, इसका अनुवाद किया है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है तो बस मैं फारूकी साहब यहाँ होते तो हमें और मजा आता पर मैं आ, माथुर साहब और साजिद साहब के थ्रू उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ मुबारकबाद देना चाहता हूँ और सी को भी कि आज वर्ल्ड ट्रांसलेटर डे मुझे मालूम नहीं था आपने इस दिन इसका आयोजन किया जो कि जो दिल्ली की कई जो अब किताबें धीरे धीरे अनुवाद होके आ रही हैं उसमें ये एक बहुत जरूरी महत्वपूर्ण कड़ी है शुक्रिया <laughs> आवाज़ शुक्रिया शाहिद भाई आ, अथर भाई नहीं है उनकी कमी तो महसूस हो ही रही है अगर होते तो वो किताब के बारे में जो बात शुभम ने अपने आखिरी वक्तव्य में कही है उस पर कुछ और खुलासा करते लेकिन मैं बहुत देर तक सोचता रहा उन्होंने मुझे क्यों पकड़ा क्योंकि मेरा कोई भी ज्यादा खास लेन देना है नहीं लेकिन अभी पता लगा उन्होंने शुभम को भी क्यों पकड़ा क्योंकि हम दोनों पड़ोसी हैं ये फिर होटला के हैं और मैं दिल्ली गेट का हूं तो हम बराबर के हैं तो शायद उन्होंने दिल्ली छे का छटा हुआ समझ कर <laughs> मुझे चुना होगा तो मैं ये सर आंखों पर बाकी जब भी वो बात करते हैं तो खाने पीने की जरूर बात करते हैं ये इम्पोर्टेंट है ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी दिल्ली छे का जिक्र होगा तो खाने का जिक्र क्यों होगा और मुझे लग रहा है कि एक अवधारणात्मक प्रश्न है एक कॉन्टेक्ट एक कॉन्सेप्चुअल uh, क्वेश्चन है जिसको जानने के लिए इस किताब को पढ़ना थोड़ा सा लाजमी है दो तीन चीजें आज uh, विश्व अनुवाद दिवस है तो मैं जितना कुछ भी अनुवाद के विषय में जानता हूँ वो मैंने यहाँ अपने दोस्तों सी में आने के बाद में सीखा समझा है इनके इनकी महफिलों में और इनकी संगत में तो लेकिन इतना मैं जानता हूं कि हमारे यहाँ जो हमारा भारतीय भाषा कार्यक्रम है उसमें इस बात पर बहुत बल दिया जाता रहा है कि आखिर शब्दों का अनुवाद तो होगा ही अवधारणाओं का अनुवाद कैसे हो तो अवधारणात्मक अनुवाद कैसे हो मुझे लगता है कि उस पर थोड़ी बात करनी चाहिए और उस हिसाब से इस किताब के दो शब्द मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं एक शब्द जो है वो है बजम आखिर अब बज्म आखिर दो चीजों से बना है एक बज्म है महफिल और उन्होंने कहा गैदरिंग आखिर ये आखिर बड़ा ही दिलचस्प है आखिर आखिर का क्या मतलब होता है आखिर आखिर क्यों ये सवाल हमें इस किताब से भी पूछना चाहिए अपने आप से भी पूछना चाहिए लेकिन जब भी हम अनुवाद की बात करते हैं किताब की बात करते हैं तो किताब का विचार बहुत ज्यादा जरूरी है जानना किताब कब लिखी गई और किताब आज जिस शक्ल में हमारे पास में है उसका क्या औचित्य है किताब लिखी जाती है अठारह सौ में किताब का पाठक कौन था लेखक के बारे में तो हमें पता लग गया लेकिन ये किस किस वर्ग के लिए लिखी गई किताब थी कौन इसका इंटेंडेड रीडर कौन था किसने इसको पढ़ना था तो दिल्ली का वो तबका जिसको कि आज हम बहुत आराम से कह सकते हैं दिल्ली का एलिट उस जमाने का वो तबका रहा होगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के आखिरी दौर की जहां पर की पढ़ने लिखने का जो पूरा काम धंधा था वो महदूद था जाति को लेकर ठीक है तो उस उस विषय पर मैं कोई खास ज्यादा बात नहीं करना चाहता किताब पर ज्यादा बात करना चाहता हूं तो एक चीज तो ये है कि पाठक आखिर इसका कौन था और अगर इसका ओरिजिनल मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन जो जो अनुवाद पढ़ा मैंने अंग्रेजी में उसमें पाठक को ये बताना कि ये चीज जा चुकी है एक तो आखिर और ये चीज अब यहां नहीं है ये दोनों बातें बहुत अहम है इसको हमें थोड़ा सा ज्यादा केयरफुली सोचने की जरूरत है आ, इसकी शब्द संरचना पर भाषा पर मैं बाद में आऊंगा मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं केवल एक सिटिंग में पूरी किताब पढ़ गया कुछ और काम कर रहा था लेकिन ये किताब इतनी अच्छी तरह से इसका अनुवाद हुआ है और वो मेहनत उनकी दिखाई देती है आ, लेकिन बस में आखिर पर मैं दोबारा लौटता हूं और फिर मैं अपनी चार बातें कहकर इस चीज़ को अपनी बात को खत्म करूंगा तो पहली बात तो ये बस में आखिर वाली बात क्या है आ, इस किताब की जो प्रस्तावना है और इसके ऊपर अथर भाई ने जो अपनी प्रस्तावना लिखी है दोनों में एक चीज ऐसी है जो कि इम्प्लिसिट है उसको बहुत स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है लेकिन हम उसको पहचान सकते हैं और वो है आ, हिस्ट्री और पास्ट का अंतर अगर मैं इसको हिंदी में कहूं इतिहास और अतीत का अंतर और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस किताब को समझने के लिए इस किताब को जो सुशुभम ने आखिरी बार जो लिस्ट बताई ना किताबों की दिल्ली के ऊपर जो मौजूदा किताबें हैं उनकी जो लिस्ट है उसको समझने के लिए ये अतीत और इतिहास का जो अंतर है उसको समझना बहुत जरूरी है हालांकि ज्यादातर किताबें जो उर्दू में हैं उनके लिए लफ्ज तारीख इस्तेमाल होता है लेकिन तारीख का सेंस दो अलग अलग सेंस है एक तारीख इतिहास के रूप में और एक तारीख अतीत के रूप में ये किताब मुझे ऐसा लगता है अतीत से संबंधित है ना कि इतिहास से संबंधित है यह हमें थोड़ा इस चीज को समझना पड़ेगा अब अतीत और इतिहास का कैसे अंतर करते हैं अतीत और इतिहास का अंतर इस तरह से है असरा सनादीत जो है वो इतिहास की किताब है जहां पर कि एक पूरा एक ट्रेडिशन है टेबुलेशन फॉर्म का बहुत सारे लोग शायद इस बात को नहीं जानते लेकिन सूफी ट्रेडिशन में भी टेबल बनाने का रिवाज है और ये टेबल बनाकर इतिहास को बताने का रिवाज हमारे देश की कई भाषाओं के साहित्य में उपलब्ध है असराव सनादी भी एक टेबुलेशन फॉर्म में आता है उसमें जिक्र आता है कि कौन राजा कब था हिंदू और मुसलमान राजाओं का जिक्र आता है और दिलचस्प चीज यह है कि उसमें बहादुर शाह जफर नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्यों नहीं है तो यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा कि सर सैद अहमद खान की नज़र में वो क्योंकि इतिहास लिख रहे हैं इसलिए अतीत नहीं लिख रहे हैं इसलिए उन्हें फैक्चुअल होना है अगर मैं ये कहूं कि इतिहास का जो अनुशासन है उसका पूरा मान रखते हुए वो उस दिशा में आगे बढ़ते हैं और इतिहास की किताब लिख देते हैं लेकिन मुंशी फैजुद्दीन ऐसा नहीं करते वो अतीत लिख रहे हैं और अतीत हमेशा जिंदा रहता है अपने साथ और इसका जो अतीत और इतिहास का जो दूसरा जो दूसरी सबसे अहम बात है और वो मेरे इस पहले पॉइंट का बी पार्ट है वो क्या है कि अगर आप इसकी प्रस्तावना पढ़ें तो कहानी शुरू होती है कुरान की एक आयत से और शेख सादी के एक शेर से कुरान की आयत का यहाँ जिक्र करना ये उस जमाने में एक रिवाज होता था कोई भी जो अगर आप उर्दू की जो भी किताबें 1800 मान लीजिए 19वीं सदी की किताबों को शुरुआत में 20वीं सदी के शुरुआत तक की किताबें देखें तो तमीत लिखने का एक अपना एक स्टाइल होता था उसमें जो ऑथर होता था वो अपने बारे में भी बताता था दुआ भी करवाता था लोगों से आ, लेकिन वो बराबर जो इवोकेशन है कुरान का वो बहुत ज्यादा जरूरी है अब सवाल ये है कि कुरान में इतिहास को कैसे बताया गया है अगर आप ध्यान से देखें जो फॉर्मेशन है आयतों का कुरान की आयतों के अंदर आयतों का जो फॉर्मेशन है उसमें इतिहास जो है अतीत की तरह आता है कैसे आता है कि एक सवाल से आयत आमतौर पर ये मैं ये सभी आयतों के बारे में नहीं कह रहा हूँ लेकिन आमतौर पर एक सौ चौदह पारों में से अगर आप उठाकर देखें तो सवाल शुरू होता है आयत शुरू होती है एक सवाल से <स्वाल> सवाल के बाद में अल्लाह जो है अपने इविडेंस देने के लिए आपको लेकर जाता है अतीत में इतिहास में नहीं लेकर जाता है और अल्लाह उन एविडेंस के साथ में एक कंक्लूजन देता जो कि है एक दार्शनिक वक्तव्य है और आयत वहां खत्म होती है तो आयतों का फॉर्मेशन ऐसा है दिलचस्प चीज़ ये है कि आ, इसका जो मुकदमा है इस किताब का उसमें एग्जेक्टली exactly इसी फॉर्म में इतिहास को अंडरलाइन किया गया अतीत को अंडरलाइन किया गया कि तारीख की अहमियत क्या है तो तारीख की अहमियत हमें आ, पाठ पढ़ाने से है हमें उसको जानने से है हमें लेसन लर्न करने से है तो ये इसकी शुरुआत हुई दूसरी अहम बात इसमें यह है कि कुरान का ये जो फॉर्मेशन है ये कुरानिक फॉर्मेशन 19वीं सदी की जो मुस्लिम राजनीति है ये मेरा दूसरा पॉइंट है तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि इतिहास और अतीत का अंतर है दूसरा पॉइंट ये है कि आखिर इस किताब को हम जो आधुनिक मुस्लिम राजनीति है और तौर से उत...

कि इतिहास जो आपने जिक्र किया किताबों का वो सारी किताबें जो हैं अगर आप उनको बहुत ध्यान से देखें तो जो कौम है मुसलमान कौम मुस्लिम नेशन वो उसका हिंदुस्तानी एक फ्रेगमेंट है असराव सनादित के अलावा हमको ये फर्क करना पड़ेगा चाहे वो आमिर अली हो चाहे वो उसके बाद में जो ये मोन्यूमेंट्स का पूरा जिक्र करने वाली आठ दस किताबें हैं उन तमाम किताबों में जो इतिहास लिखा जा रहा है वो इतिहास दरअसल किसी बड़े इतिहास की एक छोटी सी चीज़ है एक फ्रेगमेंट है एक ग्लोबल इस्लामिक हिस्ट्री का छोटा सा फ्रेगमेंट लेकिन फिर अतीत का क्या होगा अतीत कैसे लिखा जा रहा है अतीत लिखा जा रहा है कविता में नज्मों में लिखा जा रहा है अतीत जो लिखा जा रहा है वो लिखा जा रहा है नॉवल्स में ठीक है जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ औरंगजेब आलमगीर एक आलमगीर पुराना एक नावल है उर्दू का मुस्लिम लीग का एक रेजोल्यूशन है जो मेरा फेवरेट रेजोल्यूशन है मुस्लिम लीग का आठ नौ का जिसमें एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस है जिसमें वो आ, जो प्रेसिडेंट साहब हैं शायद उनका नाम मोहम्मद हुसैन है वो एक कहते हैं कि हमें कतई तौर पे अकबर नहीं चाहिए कतई तौर पे औरंगजेब नहीं चाहिए औरंगजेब ने ये कोशिश की थी कि मारपीट के ठीक कर देगा अकबर ने ये कोशिश की थी कि सब मिलकर रह लेंगे दोनों फेल हो गए क्योंकि हिंदू मुसलमान दो अलग अलग संस्कृतियां हैं बिल्कुल इसी फॉर्मेट में अगर आप आलमगीर उपन्यास पढ़ेंगे तो यही कहानी अलग तरीके से आलमगीर के फेवर में आ रही है जो कि एक फिक्शन है तो अतीत फिक्शन के रूप में दिया जाने लगा उस राजनीति के लिए जो कि आगे जाकर पाकिस्तान की डिमांड में परिवर्तित होती है अहम बात यह है कि अब आप अगर इकबाल को उठाकर देखें तो इकबाल को इतिहास नहीं लिख रहे हैं लेकिन शिकवा जवाब शिकवा जो है वो बुनियादी तौर पे एक अतीत का कंस्ट्रक्शन है इकबाल के ढेरों जो और आमतौर पे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में वो भूल जाते हैं कि कहाँ वो इतिहास कह रहे हैं और कहाँ वो अतीत की बात कर रहे हैं तो अतीत हमेशा जो राजनीतिक तर्क होते हैं उसको सपोर्ट देता है ये मेरा दूसरा पॉइंट है फाइनल पॉइंट जो है वो अब इस किताब के अंदर अगर हम जाए तो क्या मिलता है जैसे शुभम ने बहुत अच्छा इसका जो है खुलासा किया <laughs> आ, और इसमें एक अहम चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि आखिर जिस बात से मैंने बात शुरू की थी कि मैं जब भी एक किसी को बताता हूं कि मैं पुश्तैनी तौर पे चार पांच जनरेशन से क्योंकि दिल्ली का कोई भी नहीं है मैं भी अगर दावा करूं दिल्ली वाला हूं तो हम लोग भी दिल्ली वाले नहीं है कोई भी दिल्ली का नहीं है क्योंकि लोग आते गए बसते गए कोई पहले आए कोई बाद में आए आ, लेकिन ज्यादा पुराने दिल्ली वाले हैं तो जब भी मैं किसी को ये बताता हूं तो पहली चीज जो आती है वो खाने पीने पर आती है आखिर ऐसा क्या हुआ कि खाने से दिल्ली का जुड़ाव हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किताब दरअसल इसी तरह से लिखी जा रही है इसका पूरा जो फोकस है वो पहनने ओढ़ने और खाने पीने पर है दिल्ली वालों के जिसको कि दिल्ली के लोग अभी भी बहुत ज्यादा प्राउडली एक्सप्लेन करते है। हैं जैसे हमारे यहाँ मतलब मेरी पत्नी दिल्ली की है आ, लेकिन अगर हम किसी दूसरी जगह जाए जहां पर कि यूपी के लोग हों वो भी मुसलमान है वो भी कौरमा बनाते हैं हम भी बनाते हैं लेकिन हम उसका स्टैंडर्ड तय करने की हमें एक एक वो है बीमारी है एक विरासत भी है कौवत भी है तो <laughs> और लेकिन ये चीज जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ तो विरासत के दो मायने होते हैं देखिए और ये बात मैं इसके बाद अपनी बात को खत्म करूंगा विरासत का एक मायना होता है राजनीतिक शक्ति जब आप विरासत कहते हैं तो आप पॉलिटिकल पावर को ही वो करते हैं ये मेरी विरासत है दूसरा है लाइफस्टाइल स्टाइल जब विरासत की बात करते हैं तो पेज थ्री जो होता है हमारा हिंदुस्तान टाइम्स का हम पेज थ्री वाले कल्चर के अंदर चले जाते हैं और उसमें हम जो है ऐसा लगता है कि बाइगोन एरा एक है और हम अगर पुरानी दिल्ली पहुंचेंगे तो हम वहां पर घुस जाएंगे मैं पुरानी दिल्ली का हूँ मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक मतलब म्यूजियम का चीज़ हूँ इसको कि देखकर आप जो है वो मेरे किसी मतलब परदादा और वो सब रॉप्स में और उसमें ऐसा कुछ नहीं है आ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक आधुनिकता होती है लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि जो तर्क वाली विरासत थी राजनीतिक तर्क वाली विरासत दिल्ली में मैं दिल्ली की खास बात कर रहा हूँ क्योंकि किताब जो है वो दिल्ली पर है वो उसका ह्रास हो गया वो खत्म हो गई और लाइफ वाली विरासत जो है वो ज्यादा प्रखर होकर आई जो और शुभम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जिस चीज़ को हम मुगलाई कहते हैं मुग़लाई खाना कहते हैं वो उन्नीसवीं सदी का खाना है मुग़लों ने शायद कभी खाना खाया नहीं आ, क्योंकि काली मिर्च का इस्तेमाल होता था लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता था कोरमा लाल रंग का होता भाई देवे वो तो काला नहीं होता है इसी तरह से ज्यादातर रोस्टेड खाने उस जमाने में होते थे अकबर का अगर हम पुराना ये करें तो तो ऐसा क्या हुआ कि ज्यादा फोकस इस चीज पर होने लगा कि दिल्ली की जब भी बात होगी तो वो खाने पर होगी तो इसका एक दो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं पहला उदाहरण है बड़ी मशहूर कहानी है और ये कहानी आमतौर पर दिल्ली वाले सुना देते हैं और दिल्ली वाले क्योंकि देखिए दिल्ली के ठग भी बड़े मशहूर है और कहानीबाज भी बड़े मशहूर है तो हम लोग कहानियां सुनाने में बड़े माहिर हैं तो कहानी में कभी अल्तुतमिश आ जाता है और कभी शाहजहां जा आ जाता है लेकिन कहानी आपको हर जगह मिल जाएगी जैसे खुदबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ में ये कहानी अल्तुतमिश की बड़ी मशहूर है ठीक है और ये दिल्ली वालों की फेवरेट है मैं कई दूसरी जगह गया तो वहां शाहजहां आ गया था इसको हम शाहजहां को अलग करते हैं हम इल्तुतमिश तो और बख्तियार काकी पे रखते हैं कि बख्तियार काकी का इंतकाल हो गया और इंतकाल हुआ जोहर के वक्त पर ठीक है और असर का टाइम हो गया मतलब असर जो ये टाइम चल रहा है इस वक्त की जो नमाज होती है उसे असर की नमाज कहते हैं और अब वहां पर जनाजा रखा हुआ है और जनाजे पर लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब इनकी नमाज जनाजा कौन पढ़ा है तो सब लोग चुप हैं कि भाई क्यों नमाज नाजा तो कोई भी पढ़ा सकता है कि नहीं बख्तियार काकी की वसीयत तो ये थी कि जिसकी कभी असर की नमाज की सुन्नतें ना छूटी हों वही आके पढ़ाए <laughs> यानी असर की जो नमाज होती है उसमें आठ रिकातें होती हैं दो जो कि वॉल्टरली आप पढ़ते हैं और दो कंपलसरी पढ़ते हैं आमतौर पर लोग वॉल्टरी वाली नहीं नहीं पढ़ते ज्यादातर मतलब नब्बे लोग वॉल्ट्री वाली नहीं पढ़ते तो सब लोग खड़े थे और उसमें इल्तुतमिश आगे बढ़े और उन्होंने जाके जनाजे को देखा कहा अच्छा तो तुमने मेरा रास फाश कर दिया <laughs> <laughs> एक कहानी ये है दूसरी कहानी जो है वो है जो कि बिल्कुल टेंजिबल है बिल्कुल सही तो यहाँ इस इस कहानी से इसमें आप शादा लगा दीजिए कोई भी लगा दीजिए कहानी का मैं एज ए पोलिटिकल साइंटिस्ट जब मैं इस कहानी को देखता हूं तो मुझे लगता है क्या ब्यूटिफुल यूज है यार रिलीजन का इतना बढ़िया तरीके से रिलीजन आपने अपनी लेजिटिमेसी बना ली कि मैं इतना पायस आदमी हूं मेरी कभी असर की सुन्नतें नहीं, नहीं तो एक जब आप राजनीतिक को रिक्लेम करते हैं तो रिलीजन छोटी चीज मजहब मतलब छोटी चीज हो जाती है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसका उल्टा देखिए क्या होता है और ये किताब फिर ये आखिरी बात यही खत्म करेंगे इस किताब के अंदर अगर हम देखें कि वो जाते कहां थे तो जफर जो है वो कहां जा रहे हैं जफ़र मुगलों की आखिरी इमारत जो है दिल्ली में वो जफर महल है ठीक है और जफर महल बिल्कुल हाँ जी जफर महल बना हुआ कहाँ पर देखिए क्या था कि जब ये शहजादे वगैरह या मरते थे मतलब कोई बड़े अगर बादशाह मर गए तो मकबरा बना दिया फिर क्या हुआ कि वो पैसा कम होना शुरू हो गया तो चलो किसी सूफी के आसपास में एडजस्टमेंट कर लें तो वो एडजस्टमेंट्स आपको निज़ामुद्दीन में भी मिल जाएंगे और कुतुब में भी मिल जाएंगे लेकिन कोई आ, इतना सशक्त व्यक्ति आप याद रखिए बाजुशाह जफर कोई ऐसे मामूली आदमी थे नहीं वो आदमी अपना महल बनाता है बिल्कुल ठीक बराबर में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह के तो आखिर ऐसा यानी इसका मतलब मजहब हावी हो चुका है आपकी राजनीति इतनी 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 गई है कि आपको उनकी शरण लेनी पड़ रही है इल्तुतमिश के टाइम में आप उनको कैप्चर कर रहे हैं यहां पर उल्टा है आप उनकी शरण में जा रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ तो कहां जाते थे तो विरासत कौन सी हुई तो ये दिल्ली वालों पर भी है कि जब दिल्ली वालों के पास तार्किक शक्ति खत्म हो गई तो फिर हमने अपने खाने और पहनने को उसका ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया तो इसीलिए मेरे नजदीक दोस्तों के अलावा मैं घर पर खाने के लिए किसी को नहीं बुलाता <laughs> क्योंकि हम कुक थोड़े ही हैं ठीक है तो इस किताब की यह खूबी है कि ये सब बातें जो मैंने आपके सामने रखी ये किताब पढ़ने के बाद आई बहुत बहुत शुक्रिया आ, मैं लाया मैं आया नहीं लाया गया हूं <laughs> <laughs> नहीं क्योंकि यहां पे चेयरमैन या सदारत करने की मेरी कोई खूशी कोई क्वालिफिकेशन नहीं हो मैंने सोचा कि और अभी भी सोच रहा हूँ कि लोग बात करेंगे और ये बदतमीज़ी तो नहीं कर सकता कि आपका टाइम अप आप हो गया लोगों को हाँ साहब और बोलिए और बोलिए और जब पब्लिक पे आए तो उनसे कहिए देखिए एक मिनट में आप सवाल अपना पूरा कीजिए तो मैं समझा कि मैं यही करने अब ऑथर साहब हैं नहीं फर, कुछ वजह वजुहत से और लोग इतना अच्छा मतलब शुभम ने बहुत अच्छा बोला और यू सी एस डी में लोग शायद उतना जानते नहीं है आ, हलाल के बारे में एक न्यूज़पेपर में लिखने वाले अच्छे लिखने वाले मुस्लिम चीजों पे लिखने वाले हैं तार्किक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले आ, के 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 रूप में जानते हैं लेकिन जो आ, इन्होंने आ, एक एक जो आ, खाका खींचा जो एक आ, वो कहाँ से कहाँ चला और कहाँ खत्म हो गया आ, और मुझे मैं तो थोड़ी सा कुछ चीजें ऐसी नोट की है लेकिन मैं अभी जोड़ देता हूं जो मैंने सोचा था बाद में और वो आती है बात मेहरौली पे क्योंकि जो बहुत ही दिलचस्प चीज इस किताब में है कि जो बादशाह थे वो बरसात का पूरा मौसम मेहरौली में गुजारते थे चलिए अच्छी बात है लेकिन उसके साथ जो एक चीज जुड़ी हुई है वो ये है कि सबसे कम गर्मी मेहरौली में होती थी अब ये हो सकता है क्योंकि कम थी इसलिए जाते थे लेकिन मेहरौली को आज कम गर्मी से जोड़ना <laughs> मतलब एक तरह से साउथ दिल्ली के साथ नाइंसाफी है आ, इस इस उसमें जिस तरह से शुभम ने मास्टर प्लान की बात की एक चीज में शुरू में फिर बाद में इस किताब पे आऊंगा कि शुभम ने भी पहले कहा कि अब तो आप अंदर जा सकते हैं और लाल पत्थर शायद राजकुमार की किसी फिल्म का भी नाम हो लाल पत्थर हा? है देखिए तो हवाई उड़ाई थी चल गई तो आ, तो लाल पत्थर के अलावा नहीं मिलेगा और पहले लोग रोक दिए जाते थे ये थे नंगी तलवारें का जो जो है और साथ में बांधे हुए जैसे कि बाद में जब आ, आ, वो अनारकली को लिया जा सकते ले जाते हैं तो लोग जब वो कहते हैं मैं देख रहा हूं अकबर शह के काले गुलाम तो वो सब लोग उसी तरह से हैं आ, तो एक चीज़ जो शुरू में मतलब मैं इस किताब के बाहर नहीं जा रहा हूं लेकिन दिल्ली शहर इस किताब के बाहर ही था एक तरह से और उस पर बहुत एक इस तरह की किताबों में मेरे ख़्याल से रसूम दहली बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ जो लफ्ज़ या टर्म्स आके फिसलते हुए निकल जाते हैं जो कि हमारी गिरफ्त में आसानी से आते नहीं है उनका काफ़ी जिक्र है या फिर कानून इस्लाम को ले क्योंकि जो रिवायतें हैं और जो खान पकवान की भी चीजें हैं जो जो एथनोग्राफिक टेक्स्ट हैं उसमें उनको ऊपर बिल्डअप किया जाता है यहाँ पे एक तरह से आइटमाइजेशन भी हैं जो कि एक तरह से दिल्ली के खाने की खासियत है कि जो आप करीम में जाएं तो वो खाना मेनू कम दिखाता है उंगली वाला दिखाता है जो करके बताता रहता कि यह है यह है यह तो दिल्ली के बाहर की अगर दो मिनट बात करें तो एक एटीन सेंचुरी सेवनटीन सेंचुरी बहुत सारी चीजें हो रही हैं एक बड़ी अच्छी किताब मेरे नजदीक है अभिषेक कहकर की द किंग एंड द पीपल जिसमें यह आर्गुमेंट है कि बिटवीन सिक्सटीन टू न्यादिर शाह Hmm. म होता है तो दिली जिसको कहते हैं मोचियों का एक, एक राइट है हा? क्योंकि एक क्यों मारते हैं और वो लोग क्या है कि इस्लाम का नाम लेते हुए जामा मस्जिद में घुस जाते हैं और उसको एक तरह से कैप्चर कर लेते हैं कम, no, कैप्चरिंग टर रिलीजियोएस्टल विच कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट द नोशन ऑफ अलवलपिंग तो दिल्ली में इस दौरान शुरू होता है शाहजहां से जो कि दौलत इज एक्चुअली सॉवरेंटी महा बदौलत जब कहता है कोई अकबर खास तौर से तो सिंह आई एम द सॉवरेंट यहाँ वो दौलताबाग वाली बात बात नहीं है दौलत मंदी या नौ दौलतिया वाली बात नहीं दौलत इज सॉवर तो जो सॉवरन है उसकी रिलेशनशिप सिर्फ सब्जेक्ट से होती है और यहाँ पे सॉवरेंटी कम होती जा रही है फिर उसको उधार दिया गया तो उसके साथ साथ एक द नोशन ऑफ द पीपल जो एक तरह से, से में निकलता है जटल्ली में निकलता है और तरह से आप थानेदार को जिस तरह से यू you नो know, सब लोग क्लिनिक भेज रहे हैं है?

ये खत्म हो रहा है एक बहुत ही जबरदस्त चेंज आ रहा है जो मुगलिया सल्तनत वगैरह तो एक तरह से उसका ऊपर का ढांचा है लेकिन अंदर सब्जेक्ट पीपल एक थ्री और थ्रू ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंस्टेंसेस बिकम अ पीपल व्हिच देन लीड्स टू द द यू नो द मॉब ऑफ द ऑफ द मुस्लिम पुअर का जो नोशन uh, आता है जो आज भी uh, हमारे you know, साथ है द प्लीबियन रिलीजियस मॉस्क uh, तो मैं ऐसे ही uh, कहना चाहता था कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है कि बाहर शाहजहाबाद के फाउंडेशन से इस तब एक बहुत इंटरेस्टिंग स्लोली ऑफ कोर्स चेंज एक uh, आ रहा है और और वो उस उस हम, हम दिल्ली के किले के बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में और लोग you know, करते हैं ऑफकोर्स शमशुर अहमद फारूकी साहब की जो uh, किताब है वो तरह तरह के हमें वो पहलू एक भूरी भटियारी की सराय के पास एक एक सेंट साहबा हैं आ, जो लोगों की मंशा मुरादें पूरी करती हैं वो सिर्फ कौड़ी में चाहती हैं उनके ऊपर चढ़ावा जाए तो जो हीरोइन है वो अपनी बांधी से कहती है कि दो किलो बधार से कौड़ी ले आओ अच्छा एक रुपया लेके सो so दैट दो पूरा जो दिल्ली का वेरियसाटा है वो तो बहुत अच्छा बाहर से हम अब शहर के अंदर अगर आए तो कई बार जो जो तर्जुमे का जो आ, जो 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 मसला है आ, वो वो रहे ही होगा आपके साथ अब जैसे आ, और कितना नजदीक आप आते हैं तो मैं कॉन्सेप्ट्स की नहीं बात कर रहा हूँ एक फल की बात कर रहा हूँ एक ईस्ट यूपी में फल होता है बढ़हल वो कटहल नहीं है आ? वो कटहल वो उसको क्या डिस्क्राइब करें जो बढ़ल होता है लगता है थोड़ी थोड़ी वो फुला फुला से उसके रहते थोड़ा खट्टा मिट्टा रहता है तो अब उस फल को ट्रांसलेट करना बढ़ल को बढ़ारी रही थी, <laughs> <laughs> कोई <laughs> कोई नाम न ना दो आ, इसी तरह हमारे वालिद कहते थे कि देखिए आप सब लोग बात करते हैं बाबर की मेमोर्स और, और दी आइडिया हिंदुस्तानिया गोरखपुर में एक पनियाला करके लफ्ज है एक छोटा सा वेरी इंफीरियर काइंड ऑफ प्लम तो मैं ये कह रहा हूं कि उससे जो भी उसका खट्टा खट्टा मिठ्टपन है वो ज्यादा सामने आता बढ़ल कहते कि भाई बढ़ल है जो कुछ लोग कहते हैं कि यह है लेकिन अभी तक मतलब कई चीजें जो हैं इमिजिएट ट्रांसलेशन में बहुत अच्छी हैं और कई बार फिसल जाती हैं और वो लाजिम है तो ये एक तो मैं बात कहना चाहता था और दूसरे फिर वही एथनोग्राफी पे आ जाता हूँ ये क्योंकि कई बार अब यहाँ तीस पे, पेज तीस पेज पे, पूरा एक पेज है टाइटल है सहनक और उसमें एक डिस्क्रिप्शन है कि औरतों का ये वो है और ये बनता है और ये सहनक कहते हैं नहीं 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 वो तो सहन है सहन, आ, सहन, आ, 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 तो सहन शक्ति नहीं है सहन 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 हाँ सुन लो यार ये बात तो सुनो तो, नहीं तो सुनो तो अभी तो शुरू किया है तो इसमें एक लाइन आती है ये खा रहे हैं ये डेंगल एक्सेट्रा देन दे अप्लाई

से वो ये है कि एक वक्त जबकि नूरजहां अभी आई नहीं थी पूरी तरह उनको एक्सक्लूड करने के लिए ये कहा गया कि जिस औरत की मुगल उसमें आने पहले शादी हो चुकी हो वो सहनक में नहीं आ सकती तो ये जो वर्चू का जो कॉन्सेप्ट हमें लगता है कि नॉट वर्चुअस इज रियली एम्ड एट एट मुगल नोशन ऑफ अर्लियर क्वीन और कहते हैं ये मैंने अब मैं याद नहीं आ रहा कि मैंने कहीं जिक्र किया इसका और कि ये जोधा भाई ने पता नहीं जिसने। so औरतों का है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट उससे भी उनकी शादी हो रही है तो कुछ आ, का जिक्र आता है लेकिन वो कुछ लोगों को विद इन काइंड ऑफ सीन यू नो राइवलरी विद इन दरम तो अब ये मैं कह रहा हूं मैं ये मैं खामी नहीं दिखा रहा हूँ मैं ये कह रहा हूं कि एक जो लाइन है वो अगर आप उसको वैसे पढ़ें और रुक भी जाए थोड़ा तो आप सोचेंगे कि ये वर्चू जो है अगर उर्दू का ठीक लफ्ज भी है तो वो एक जो उसके जो मीनिंग जो उसके आसपास एक्रीट किए हैं सैनक के वो उसके खुलासे के लिए तो आपको एथनोग्राफी के तरफ जाना पड़ेगा सैनक

और दूसरी चीज जो शुभम ने भी कहा कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो आइटमाइजेशन से होता है खाने का हर एक का वो नहीं है कि इसका मतलब ये हुआ इस खाने इस पुलाव का ये इट्स द आइटमाइजेशन जो कि एक रेंज को देता है और उस रेंज के साथ आप उसका जायका समझ लीजिए या जा एक जायका एक दूसरे तो से तो फर्क भी होगा तो इसमें खास तौर से इसमें एक शख्स बहुत इम्पोर्टेंट है वो है ऑफ कोर्स बाकर खान बाकर अली दास्तान गो और मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा कि किले के अंदर कहीं दास्तान या और किसी का जिक्र नहीं है जबकि बाद में वो गालिब का है कि अब मैं अकेले में नहीं जाता या आखिरी शमा वगैरह और जिक्र है आखिरी मुशायरा है ना जिसमें एक साहब बिल्कुल उरियां हैं और वो कहते हैं कि मेरे बिल्कुल मादरजात जिसको कहते हैं नॉट आप फॉलोड बाई एल्स जस्ट तो वो कहते हैं कि मेरे यहाँ सामने शमा आप थोड़ा हल्की कर दिए क्योंकि सिर्फ फूल पहन के आए थे तो आइटमाइजेशन जो है वो आपने बताया और मेरे ख्याल से Uh, मौला बख्श का uh, मौला बख्श हाथी अब मैं भी बहुत इंटरेस्ट है क्या चीजें यह दास्तान है कि, कि मिली नहीं अभी तक महमूद को भी नहीं मिली तो अब अगर अगर आप आ, सुने बाखरअली को और रिकॉर्ड है एक जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1920 में उन्होंने दो चीजें रिकॉर्ड की एक तो प्रोडिगल सन टेल जो लाजमी था हर एक आदमी को फॉर डायलेक्ट डिफ्रेंसीेशन करना और वो इतना लंबा चले हैं कि अब एक दो तिहाई दास्तान करते करते साढ़े तीन मिनट खत्म हो गया रिकॉर्ड का आ, तो वो एकदम से साकिन दिल्ली मतलब इस तो रिकॉर्ड इस पे खत्म हो गया इतनी तेज बोल रहा मैं पहली बार मैं सुना नाम ही नहीं समझ पाए तो अगर आप वो जो दूसरी दास्तान है जो कि वो हैती एक ज्यादा है दीवाना बरसात का महीना है अपने बाल खाने पर सोता है वगैरह वगैरह तो उसके बाद वो आता है कि अंदर जाता है दंगल छिपा हुआ बहुत बड़े लोग पहलवान है और करौली जो, जो आइटमाइजेशन उसमें या उसके हैं हथियारों के वो फैंटास्टिक है उसमें और जो खाका है बाकरली पे एक दिल्ली की किताब पे है सलाहुद्दीन की किताब या कोई तो उसमें वो बताते हैं कि साहब वो जब लोग कहते थे आ, कि साहब इतना डिस्क्राइब ना करें आप जेवरात का क्योंकि तो उसके बाद हमारी बीबियां कहती हैं कि बाकर अली ने वो जो बताया था देवर वो बनवा के दीजिए तो तो मेरे ख्याल से तो मेरे ख्याल नहीं वो सचमुच वो जो डिस्क्रिप्शन एक जमाने में मुझे पूरा याद था अब मैं उम्र के हिसाब से अब मैं उतनी रही नहीं हाफजा तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो वैरायटी है वो एक तरह से इट्स अ वेरी डेफ एंडस टर्म बिकॉज वराइटी जो है इट कैन बी थ्रू डिस्क्रिप्शन एंड इट कैन बी थ्रू आइटमाइजेशन और ये uh, क्योंकि अगर इतना ज्यादा आइटम्स हैं कि उसको डिस्क्राइब करने लगे तो जो रवानी है आइटमाइजेशन की वो खत्म हो जाए और मेरे ख्याल से इस तरह के डिस्क्रिप्शन में जो एक रिचनेस या वायटी की बात हो रही है वहाँ डिस्क्रिप्शन एक तरह से आड़े आ जाता है और ये मेरे ख्याल से इफ यू लुक एट इट इन दिस वही चीज इसमें भी आ, कुछ हद तक आ, आ, एक दो तो जो एक औरतों की गालियां इंटरेस्टेड इन दैट लेकिन उसके आगे कुछ और मिलता नहीं पंजाबी औरतों की गालियां तो हम लोग सुनते आए हैं जिसमे ईटर ऑफ योर हसबेंड खसमान खानी लेकिन ये औरतों की गाली है बिकॉज इट इज डायरेक्टेड एट द आ, तो ये ये औरतों की गालियों में मैं ये नहीं मैं बहुत इंटरेस्टेड था मतलब मैं आई वंडर्ड कि ये 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 क्या चीज होगी और हाँ अभी पानी एक सेकंड जहां तक जनाब खाने की बात है कि दिल्ली खाने से है खाना ही सब कुछ है तो भाई मैं तो एक छोटे शहर देवरिया का रहने वाला हूँ जिसके बगल में पुराना शहर गोरखपुर है पुरानी मस्जिद है तो किस्सा ये हम लोग अपने घर में ये सुनाते हैं आप तो दिल्ली का सुना चुके हैं <laughs> हमारा किस्सा ये है कि साहब देवरिया में शादी किसी की होता है तो अब खा, 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 शादी के खाने के लिए तो लोकल तो चलेगा नहीं तो गोरखपुर में किसी को बुलाया तो उनका साहब ये हैं जो रईस साहब थे देवरिया के जो इतने लेवल के रहे हो तो उन्होंने बुलाया कि क्या बनाएंगे? सब बनाऊंगा और रोटी और उनके सब रोटी और अब जितना पूछे कोरमा भाई क्या बात कर रहे हैं आप तुमका सब एक बात सुनिए मैं यही खत्म करता असली खाना तो कोरमा और रोटी है अब बाकी सब अमीरों की हरमजदगियां हैं शुक्रिया <laughs> <धूँ> और आप लोग हाँ तो आप लोग जिज्ञासु लोग जो बैठे नहीं <धूँ> मैं बस तो सिर्फ जानना चाहता था कि फारूकी साहब ने बहुत मेहनत तो इसने जाहिर है कि किया ही है कई ड्राफ्ट जैसा कि कई ड्राफ्ट किए और छाटे और रद्द किए लेकिन ये आ, आ, उस पर तफसील में बताते नहीं है कि कौन से ड्राफ्ट क्यों रिजेक्ट किए वगैरह वगैरह वो उनसे हमें बाद में बात करनी काश वो यहाँ होते तो उनसे हम पूछते और क्या वो जो स्ट्रगल था है ना उसके ट्रेसेस तो वही बताएंगे क्योंकि उन्हीं के पास वो ड्राफ्ट्स भी हैं वगैरह वगैरह लेकिन वो यहाँ जाहिर है नहीं दिखेंगे क्योंकि ज्यादा परफेक्शन इसमें हो गया तो क्या एब्स्ट्रैक्शन भी हो गया तीन ड्राफ्ट के बाद ट्रांसलेशन में आप लोग बता सकते हैं शायद कि वैसा लगता है कि ज्यादा परफेक्ट तो नहीं हो गया कि उस नाम को नहीं छोड़ा कुछ और कर दिया क्योंकि अब तक वो उस शब्द को पकड़ चुके हैं और अपनी जबान में अंग्रेजी में पकड़ चुके हैं ऐसा होता है अनुवाद करते समय तो एक तो ये मेरी जिज्ञासा थी किताब के बारे में और वो दूसरी बात भारतेंदु में भी है वो अतीत और इतिहास का सवाल जो आप कह रहे थे लाल भाई उस तरह की क्रोनोलॉजी है ना टाइम और घटनाओं का सिलसिलेवार ना उसके उसकी, उसकी पेशकश ये भारतेंदु में भी है उस तरह का का, का अतीत का एक क्रोनोलजाइजेशन आप कह सकते हैं उसको और वो काफी दिलचस्प है वो एक पूरा एक तरीका था एक मुहावरा था और एक फॉर्मेट था आ, लिखने का आ, ये है बिल्कुल और ये आपने बहुत मार्के की बात कही ये भी की इतिहास दरअसल कहानियों कविताओं और शायरी में लिखा जा रहा था वैसे ही जैसे कि प्रतिरोध जैसा कि कह रहे हैं आप लिटरेचर के थ्रू हो रहा था जो शाहिद कह रहे थे कि जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ लोग कैसे दर्ज कर रहे थे अपना गुस्सा कैसे इजहार कर रहे थे बड़ी अच्छी बातचीत रही मजा आ गया हमने बहुत कुछ सीखा और हम ये बातचीत आगे भी करते रहेंगे कोई सवाल इसमें तो जो बात निकल के आई जो ठोस बात के तौर पे कुछ हिलाल भाई कहना चाह रहे थे जो हल्के में भी बोला गया वो ये था कि जब हमारे पास कुछ नहीं रहा तो खाना रहा तो ये वो आसोब टाइप का कुछ है कि कुछ नहीं रहा तो खाना रहा या सत्ता नहीं रहा तो खाना रहा तो खाना के थ्रू ही बेसिकली हम अदब के थ्रू ही हमारी आइडेंटिटी बची है तो वो उससे पॉलिटिकल पावर नहीं है तो और या फिर अगर आप इसको एक्सप्लेन कर पाए कि आ, मैं दूसरे एनिक डोट से ये कह रहा था कि हम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी दोस्त जब जर्मनी में बातचीत करते थे तो यार यहाँ पे हमारे दोस्त पूछते हैं तो कई तरह की बातें हम लोग करते हैं लेकिन हिंदुस्तानियों से जब बातचीत होती है वो सिर्फ खाने पे ज्यादा जोर देते हैं तो बाहर जाके ये लगता है कि भाई हिंदुस्तानी ज्यादा बात करते हैं खाने के बारे में यहाँ रह के लगता है कि दिल्ली वाले ज्यादा बात करते हैं खाने के बारे में तो एक प्रोफेशनल जो ये दिया गया तर्क वो ये था मजाक में ही कि ज्यादा कुछ इंटरटेनमेंट के नाम पे बचा नहीं है हम कुछ कर नहीं सकते तो खाने में ही सारे मुझे हम लेना चाहते हैं इसलिए खाने पर ज्यादा बात करते हैं बाकी कुछ डांस के लिए तो जा नहीं सकते तो तो बस खाने में ही जितना कर सकते हैं कर ले मैं इस पे... बहुत इम्पोर्टेंट कुछ और चीजें मैं देखिए अब यहीं पर ये यह दिक्कत हो जाती है मैंने ये अभी बैठ हिंदी वाला बनाया है अंग्रेजी में तैयार किया था अंग्रेजी में बड़ा भारी भारी से तैयार किया था एनी <laughs> तो वो नहीं ये क्वेश्चन बहुत ये जरूरी है अब इसमें सिर्फ मैं एक चीज ऐड करूंगा वो है जबान ये हमारी एक बातचीत बड़ी दिलचस्प हुई थी अभी थोड़े दिन पहले याद है आ, अपना रिजवान भाई के साथ उनके साथ जो बातचीत हुई थी तो उसमें और वो तो पुरानी दिल्ली की जबान पर काम करते ही हैं रिजवान अहमद है <laughs> तो आ, दिल्ली में दिल्ली के अपर कास्ट में एक चीज है खाना ज़ात जबान मतलब जैसे मेरी दादी अगर किसी को एवेलुएट करती तो ये ज़रूर कहती जात जबान क्या है तो ज़ात भी इम्पोर्टेंट है और जबान भी इम्पोर्टेंट है तो एक जो डिक्लाइन है इसमें हमने वो शायरी का जिक्र नहीं किया जिसमें बहुत कुछ लिखा जा चुका है कि जो है वो मेलेंकोलिक टोन है एक्चुअली इस पूरी किताब का मेलेंकोलिक टोन है कहीं कुछ था जो ख़त्म हो गया एक्सेट्रा तो जब कुछ नहीं बचता और ये मुझे ले जाता है जो ये uh, किताब है

उस चीज को बचाने की कोशिश करते हैं जो कि आपको सुपेरियर कहीं कही ना कहीं पर रखे और अगर हम दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में इसको थोड़ा सा और और इसको एक्सपेंड करें तो हमको ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि 19वीं सदी के अंदर जो आखिरी फेज है जब भी किताब लिखी जा रही है तो जो मुस्लिम इलीट है उसका डिक्लाइन है तो उसको एजर्ट करनी है अपनी अजर्ट करना है दो लेवल पर एक अपने जिस माशरे में वो रहता है अपने समाज में अपनी स्थिति को अजर्ट करना है हम इस तरह इस तरह का खाना खाते हैं हम इस तरह की जबान बोलते हैं और हमारी जबान जो है वो कर, करखानदारी है तो अपनी की जबी और वो क्यों है क्योंकि मेरा मेरा लीनियज कहीं और से है तो मेरी जात भी ऊंची है मेरी जबान भी ये है और फिर मेरा खाना भी अलग है तो ये मैं सिर्फ एक जो मेरे अपने निजी जो ये है तजुर्बे मैं सिर्फ उस पर क्योंकि मैंने कोई इस पर खास रिसर्च नहीं की है निजी तजुर्बा ये था कि आ, और ये उस दिन की हमारी बातचीत में भी ये बात आई थी कि जैसे आ, मेरे घर की अभी तीस साल पहले तक मतलब जब मैं छोटा था तब की भी बात है ये कि अगर मुसलमानों में ही शादी होगी तो और वो लोअर कास्ट में शादी होगी तो घर के मर्द जाकर तो वहां खाना खा लेंगे लेकिन औरतों के लिए हमारे घर के बर्तन जाएंगे जिसमें कि बावर्ची उन बर्तनों में खाना रखकर हमारे घर की औरतों के लिए भेजेगा यह लेवल ऑफ अनटचेबिलिटी का स्पेसिफिक फॉर्म है जिस पर आमतौर पर बात नहीं होती है। और इसका जेंडर डायमेंशन भी है ठीक है तो कहीं ना कहीं पर आप अपना जो इलीट स्टेटस है उसको बचाने की कितनी ज्यादा आप उसकी कोशिश करते हैं तो वो एक, एक चीज है जो कि मुस्लिम इलीट में खासतौर से दिल्ली के मुस्लिम इलीट में बहुत नुमाया तौर पर आती है तो ये जो फॉर्म है जिसमें कि आप अपना जो बचा हुआ है उसको आपको वहां पर रिजर्ट करना है जिस माशरे में जिस समाज में आप रहते हैं लेकिन एट द सेम टाइम आपको जो कॉलोनियल मास्टर है जो कि नया मास्टर है आपको उसे इंप्रेस करना है दो लेवल पर बात करेंगे ना तो मुस्लिम लीड दो लेवल पर तो वो अपने समाज में तो जबान खाना इससे अपने आप को ऊपर करेगा जो ये पेनेराव वाली जो किताब है फ्रॉम अशराफ टू ये उसमें बहुत साफ ये ये आर्ग्यूमेंट आता है कि वो अपने आप को तो यहां करेगा लेकिन जब वो अपना रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेगा कोलोनियल मास्टर के साथ में वो डिफरेंट तरीके से करेगा वो पेस्ट करेगा खाना इन ऑर्डर टू गेट सम काइंड ऑफ फिलिजिटी में सी दैट पास गॉन बट वी प्रोसेस है कहीं ना कहीं पर यह सस्टेन करता चला जा रहा है इंटरेस्टिंग चीज जो है वो अब है वो अब अब जो है मैंने 1992 के बाद जो मैं चेंज देख रहा हूँ पुरानी दिल्ली में अपने आसपास में उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो आया है वो एक रिवाइवल है इस खाने वाने का मतलब जब मैं वहां रहता था मैं चौरानवे तक रहा हूँ मतलब मैंने अपनी जिंदगी के बीस बाईस साल वहां उसके बाद हम वहां से आ गए बाहर आ गए तब तक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती थी खाना पीना तब तक जो है हम शायद ये मानकर चलते थे कि हम बैकवर्ड हैं हम पीछे हैं एटसेट्रा जो दिल्ली के मुसलमान पास और थे लेकिन अब कास्ट कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा हो गई है और कास्ट के अंदर बहुत दिलचस्प चीज ये है कि दो तरह के एक तो जो अपर कास्ट है उसने अपने आप को बहुत एग्रेसिवली अपर कास्ट करना शुरू कर दिया है ज़ात जबान खाना पीना दोबारा से लौट रहा है एक लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि तबलीगी जमात एक डोमिनट फॉर्म ऑफ रिलीजियोसिटी है पुरानी दिल्ली में इसलिए वहां पर जो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई है वो ये है कि जो लोअर कास्ट ग्रुप्स थे उन लोगों ने अपने जो नाम रखे हैं वो अपना स्ट्रेस यहां से ट्रेस नहीं कर रहा है वो मुगल हीरा से ट्रेस नहीं कर रहा है वो सीधा प्रोफेटिक सोसाइटी से ट्रेस कर रहा है तो ये मतलब उस मान लीजिए अगर कोई नाई है नाई का, का काम करने वाला है और वो जाद, उस जात उस जात का है पुरानी दिल्ली का है और उस जात का है तो वो अपने आप को सलमानी कहेगा और वो हजरत सलमान से अपना रिश्ता जोडेगा इसी तरह से जो दूसरे जो बिरादरियां हैं वो अपने रिश्ते और ये नामकरण बहुत ये पैंतीस साल हाँ, के डेवलपमेंट है तो ये एक और रिजर्वेशन है एक और कॉन्फ्लिक्ट है एक और कंट्रोडिक्शन है जी आप हाँ तो उसमें वो कहते हैं कि 1870 वगैरह में mm -hmm. ये डबल बैरल ने मुजीबुर इस्लाम ये वो hmm. वो जो हैं वो यहाँ भी थे यहाँ पे थे वन ऑफ द ग्रेट लिफ्टिंग्स ऑफ इंडियन हॉकी वॉज चैप कॉल इनाम रहमान यू नो फ्रॉम बट ये जो इन 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 प्रेजेंट डे बांग्लादेश बहुत वाइड स्प्रेड होता है mm -hmm. जिस इनाम उर, उर, वाला जो है oh wow. वो यहाँ पे इंटरेस्टिंग दैट इज नॉट द वे इन विच इट इज असर्टेड But uh, uh, but I, perhaps it is the lower caste who then go back for the, for the first name for that. And the people Usko, whatever they are, by that name, they are just adding this Ur. And so it becomes, uh, you know, uh, I'm just reminded of uh, Rafi's uh, work in this. But what you सो दिस इज व्हाट आई यू नो थिंक के जो जब आप स्टेटस जो स्टेटस बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है या उसको अजर्ट करते हैं तो कई सारे तरह के प्रोसेसेस के साथ आता है <laughs> <laughs> ये सुगम से बस दरियाफ्त कर कि हांडा साहब की, की किताब जो आपने आ, अनुवाद की है तो ये जो फ्रेमिंग की बात कर रहे थे कि जिस तरह का इसका स्ट्रक्चर है और जिस तरह से फ्रेमिंग मुनसिफ हजुद्दीन की है तो क्या वो हांडा साहब तक आती है या वो कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ नरेटिव स्टाइल और स्ट्रक्चर है उनका अ uh... इंतज़ार साहब का तो थोड़ा अलग है उसमें भी एक मेलनकुली जैसी है आपने भी वो किताब पढ़ी है और मुझे लगता है कि उसमें आ, जब आप उसको एडिट कर रहे थे आप प्रूफ रीड कर रहे थे तो हमारा उस पर एक बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ था कि आ, मैं जब वो किताब पढ़ रहा था और उसका ट्रांसलेशन कर रहा था तो उसमें कई चीजों कई चीजें जो थी वो बार बार आती थी तो उसमें वो जो हिलाल साहब ने कहा कि जो जो चीजें चली गई पर आप उस युग में आप या जाना चाहते हैं या आप अपना ये दिखाना चाहते हैं कि ये हमारे पास था तो उसके बहुत एक तो उसके बहुत एक प्रत्यक्ष कई उदाहरण भी उसमें आते हैं कि पहले तो हमारे यहाँ पे ड्यूडी पे हाथी आया करता था और अब हमें रिक्शे में चलना पड़ता है और फिर वो रिक्शा भी उलट गई तो उनकी टांग भी टूट गई ऐसा भी है किसी का एक जिक्र आता है दूसरा उसमें ये भी है इंतजार साहब के में कि ये जैसे जो आइटमाइजेशन खान पान का है ये ऐसा नहीं है उसमें एक चैप्टर है रंग खुशबुए और जायके और उसमें ये आइटमाइजेशन आता है और यही आइटमाइजेशन आपको किसी और चैप्टर में भी मिलता है और उसमें बार बार फिर एक चीज ये आती है कि अब दिल्ली वो नहीं रही पर अभी भी इसमें कुछ कुछ चीजें बची हैं और और ये ये आप देखेंगे कि ये बार बार आता है है तो वो वो मुझे लगता है, वो थोड़ा इंतजार साहब की एक टिपिकल चीज भी थी जो अब अगर आप उन, उनका साहित्य भी पढ़ेंगे तो उसमें उस तरह का नोस्टलजिया मतलब इंतजार साहब को कई जगह ये दोष भी दिया गया कि ये नोस्टलजिया में ही रहते हैं और ये हर चीज नोस्टलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखते हैं जो हांडा साहब की किताब है, वो उस तरह से बहुत अलग है क्योंकि हांडा साहब एक तरह से जो उनके सामने हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं उसमें भी मुझे उस फ्रेम में कहीं एक कुछ टीस वो सब दिखती है पर वो इस तरह की नहीं है कि जो हमने खो दिया या अतीत की इतनी बात नहीं है वो जो सामने घटनाएं हो रही हैं और हमारे कुछ मुसलमान दोस्त थे आज उनकी ऐसी हालत हो गई है कि उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ रहा है तो उनको उस बात का दर्द है या वो शरणार्थियों के जो शिविर में जाते हैं तो वहाँ काफिला तैयार है एक चैप्टर का नाम ही है काफिले का कूच और वो बहुत मार्मिक उसका पूरा वर्णन है कि फौज की भारतीय फौज है जो उनको हिसार से ले जाने वाली है और सिग्नल हुआ और फिर कूच हो गया और किताब वहीं पर लगभग लग लग खत्म होती है तो उसमें वो फॉर्मेट बहुत उस तरह से अलग है तो वो एक तरह की आप बीती है जो उन्होंने देखी और उसमें भी पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि शहर अः कई जो उस वक्त महत्वपूर्ण घटनाएं घट है, रही हैं कि दूसरा विश्व युद्ध हो रहा है सन बयालीस की बात है सन उनतालीस या उनतालीस में शुरू हुआ इकतालीस बयालीस दो तीन साल हो गए तो भी दिल्ली वाले जो हैं वो चाट खा रहे हैं और कलकत्ता में कुछ बमबारी हुई तो भी वो अपना उनका जो कारोबार है वो चल रहा है तो वो उसको कैसे देख रहे हैं या फिर जो कर्फ्यू है वो उसको कैसे देख रहे हैं तो उसमें एक गंभीर चीजों को देखने में भी एक उसमें कुछ उनको क्या एक आपदा में क्या है वो तो <laughs> <सरुण। laughs> <थो> वो <laughs> <सही करूं। laughs> तो वो कहीं कहीं से ऐसी छोटी चीजें दिख जाती हैं पर वो फॉर्मेट मुझे मेरे हिसाब से काफी अलग है इसमें जो एब्स्ट्रैक्शन हुआ है वो आपका कहना सही है मुझे कई बार ऐसा लगा कि जैसे जो प्रोफेसर अमीन ने भी कहा कि ये वो जो गालियों का वो जो जिक्र नहीं आया कुछ तो वो शायद एक दिल्ली पे किताब भी है दिल्ली के मुहावरे में मैंने वो रिश्ता पे देखी है पर मैं तो हाँ अब व्याकरण मां पूछता है इससे आप मान हैं वो मैं आपको वही कराऊंगा <laughs> तो वो पढ़ते-पढ़ते मुझे कई बार लगा अब मुझे लगता है ये ट्रांसलेटर का अपना एक निर्णय होता है कि वो क्या उसमें जो मूल है वो वो कर रहा है और कहाँ वो एब्स्ट्रैक्शन उसका हो जाता है और वो फुट नोट में चीज आ गई कि ये अब चलन में नहीं है या इतनी रिलेवेंट नहीं है तो अब इस पे तो अगर फारूकी साहब से ही कभी बात होगी तो ज्यादा अच्छे से मुझे लगता है इसका जवाब मिलेगा think... अंजुमन के ताल्लुक से मैं आपसे बात कर रहा हूँ जाहिर है फारूकी साहब इस पे जो रोशनी डाल सकते थे वो शायद हम में से कोई नहीं डाल पाया है एंड हैड ही बीन हियर ही वुड हैव बीन एबल टू आंसर फ्यू थिंग्स विच हैव

सबसे पहली और आखिरी चीज जो मैं समझ रहा हूं मैंने आई एम नॉट आई कन्फेस आई इट बट द थिंग इज व्हिच आई इंफर फ्रॉम व्हाट यू एंड प्रोफेसर अभय सेड वो ये है कि इस किताब में जो भी सिलसिला फारूकी साहब ने देने की कोशिश की है वो एक उसी एरा से मेदूद है शायर बहादुर साहब गफर के उसी एरा से ताल्लुक रखता है वो मगर उसका जो हमें ट्रांजिशन फेज जो मिल रहा है वो हमने लिया नहीं शायद आई एम इंटरेस्टेड इन द तहजीब विच हैज नाउ ट्रांसफर अप टू नाउ बहादुर शाह जफर के जमाने में जो तहजीब थी जो इस किताब में कहीं कहीं दी गई है और जो आज है क्या हम ये नहीं देख रहे कि हमने क्या क्या छोड़ दिया और क्या क्या लेना चाहिए और जरूरी लेना चाहिए जो वहां उस दौर में मौजूद थी हम उसको कहीं छोड़ आया तो इसम आई थिंक तो ये एक, एक आज चीज थी मैं दिल्ली से इसलिए कि मैंने कहा चलो मैं भी अपनी बात रख लेता हूँ बाकी तो ये है कि गैर के दर से जो कभी एक सलाम मिलता है मेरा तन्हाई में बस उससे काम चलता है wow. wow. so, बहुत बहुत शुक्रिया टेक्स्ट विदाउट बट इट अ वेरी गुड टेक्स्ट बहुत अच्छी इजाफत आप लोगों ने की आ, मजा आया और मुझे लगता है कि इसको इस बातचीत को हम लोग किसी न किसी रूप में छापेंगे प्रतिमान में उर्दू किताब के अंग्रेजी तर्जुमे पर जो बातचीत हुई आज बिल्कुल हिंदी हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी में <laughs> है ना वो काफी दिलचस्प रही और छापने लायक है तो और भी काम है हमारे लिए नौशाद साहब नौशाद फैजान सबका शुक्रिया प्रवीण जी का और अयोध्या जी का और चंदन जी चिन जी का और असलम जी का सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अंजुमन का भी एक बार फिर शुक्रिया आ, कि आपने यादगार आ, महफिल रच दी आज बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर